तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे फंक्शंस। जी हाँ, फॉर्मूले के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ सुधीर जी हैं, उषा जी हैं। सुधीर जी, उषा जी, हम बात करेंगे आज आपके साथ लॉजिकल फंक्शन। जो लॉजिकल फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म करता है, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे दी है, आप लोग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक नया लिया हमने टैब। तो जैसे कि हमें बताया था कि मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। ओके, तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स देता हूं, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर देते हैं, मुझे इन नंबर्स को अगर चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 क्या है। जस्ट मुझे चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 कौन कौन से है, जस्ट मुझे ये चेक करना है। कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए बहुत जनरली लोग इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन मैं इफ के लिए नहीं, मैं यहां पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50। जो फुलफिल होगा वो यहां पे रिजल्ट दे देगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो इफ क्या करता है, इसी चीज को वो आपके एड्रेस में, आपके जो खुद के रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, जैसे ओके और पेंडिंग। तो यहां पे आप दे सकते हैं कि इफ, और यहां पे दे दीजिए कि ओके अदरवाइज पेंडिंग। और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, ओके अदरवाइज पेंडिंग। ओके सर, अब यहां पे जानिए कि इफ के, हम जनरली हम लोग क्या करते हैं, इफ के अंदर डाल देते हैं, लेकिन इफ जो है ये चेक नहीं करता है कि हाँ ओके पेंडिंग नहीं करता है। इफ जस्ट ट्रू को कन्वर्ट करता है ओके में, एंड फॉल्स को कन्वर्ट करता है पेंडिंग में। तो मैं यहां पे इस चीज को सिलेक्ट किया और मैंने बोला ओके, और यहां पे बोला पेंडिंग। ये आपका रिजल्ट, ओके और पेंडिंग। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सर ये मुझे समझ में नहीं आया सर। पहले हमने लगाए थे A1 इज ग्रेटर देन 50, हो गया तो ये ओके आपको या समझा फिर रहा हूं ना कि ए, हमने क्या किया था, पहले हमने डाल दिया था इफ, इसी के अंदर इफ, इसी के अंदर डाल दिया था, इफ के अंदर। हमने इसको इफ के अंदर ना डाल के इफ से रिजल्ट ले लिया यहाँ पे B1 से। तो B1 में क्या है, ग्रेटर देन 20 है ना, तो यहां पे इसको ट्रू और फॉल्स चाहिए। क्या चाहिए इफ को, क्या चाहिए, ट्रू और फॉल्स। ट्रू आया तो ए ओके वाला रिजल्ट देगा, फॉल्स आया तो ये पेंडिंग वाला रिजल्ट देगा। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। या ये जो लॉजिकल ऑपरेटर जो दिया है, ये कंडीशन चेक करता है। कंडीशन फुलफिल हुआ तो रिजल्ट ट्रू, कंडीशन फुलफिल्स नहीं हुआ तो रिजल्ट फॉल्स। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक ही साथ देते हैं कि इफ अगर ऐसा है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। इसी को अगर आप जाए यहां पे जाए इसमें फॉर्मूला बार के एवलेट फॉर्मूला में, तो ये पहले वर्क करता है ए, फॉल्स आया देन रिजल्ट देता है पेंडिंग। इसको क्या चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स, इसको यही चाहिए। तो यहां पे हम दो सेल अलग अलग ना यूज करके दो फॉर्मूला को कंबाइन कर देते हैं। तो मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये हम ग्रेटर देन लेस देन लगाते हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ एंड ऑर, ये इंडिविजुअल है, हम उसमें मर्ज करते हैं। क्लियर सर, डाउट इसमें? हेलो, नो नहीं सर। सर।
बढ़े। हाँ जी सर, चलिए अब बात करते हैं इफ चेक को भी फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो आप यहां पे इक्वल प्रेस कीजिए, इक्वल प्रेस करने से या प्लस को प्रेस करने से सिस्टम को समझ में आता है कि यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। देन यहां पे मैंने किया इफ, जैसे ही फॉर्मूला के इनिशियल लिखोगे फॉर्मूले की लिस्ट आ जाएगी, आप एरो की से ऊपर नीचे जा सकते हो, जो फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसका डेफिनेशन मतलब कि उसकी यूजेज या डेफिनेशन या परिभाषा जो कहीं आ जाता है, और फिर टैब प्रेस करते हैं फॉर्मूला अप्लीकेबल हो जाता है, और नीचे जो अभी दिख रहा है इसको बोलते हैं सिंटैक्स, मतलब कि इसमें कितने तरह के इनपुट है और इनपुट के टाइप क्या है। सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट है वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ फॉल्स, यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट है और नॉर्मल है, बट वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स स्क्वायर ब्रैकेट में, समझे? इसका मतलब है कि लॉजिकल टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है और जो वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स है वो ऑप्शनल है, मतलब कि लॉजिकल टेस्ट आपको डालना ही पड़ेगा, अगर नहीं डालो फॉर्मूला से बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन यार लॉजिकल टेस्ट डाल देते, इससे मैंने यार चेक करके डाल दिया ग्रेटर देन 20 कॉमा, अब मैं इसमें रिजल्ट ना भी डालूं फिर भी रिजल्ट आपका जीरो या फिर फॉल्स करके आएगा, समझे? नॉट इसी फॉर्मूले नहीं, किसी भी कोई फॉर्मूले से वी लुकअप ही आप लगाते हैं तो वी लुकअप में भी देखिए लुकअप रेंज ऑप्शनल है, आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाते हैं सम प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट सम इफ जो भी लगाते हैं, सम इफ लगाया तो रेंज सम रेंज आपका ऑप्शनल है, मतलब इसको डालने की जरूरत नहीं है, डालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालेंगे तो जो डिफॉल्ट है वो आएगा, समझ गए? यस सर। अब इसमें आगे बढ़े। हाँ जी सर, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट के ऊपर बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो हेलो, कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको। पहला एग्जांपल, इसके लिए मैं यहां पे कुछ नेम लिखता हूं, सबसे पहले इसको सॉर्ट करते हैं, क्योंकि इसे सॉर्ट कर इस एग्जांपल के लिए इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, इसको होम में ही अब देखिए नाम आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें डुप्लीकेट और यूनिक देखना है, मतलब कि जैसे यहां पहला है तो यहां पे यू आ जाए, बाकी वो पे डी 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 इस तरह से आ जाए, समझे? यहां आप देखते हैं इफ हम बोलते हैं कि सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से, ए टू इज इक्वल टू ए वन, ऐसा है तो यहां पे आ जाए डी, अदरवाइज आ जाए यू, समझे? कि अगर ए टू बराबर ए वन से तो आपका डी आए अदरवाइज यू है, फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, हो गया? तो इसको कॉपी पेस्ट करके सर वैल्यू करके फिर शॉर्टिंग करके हटा सकते हैं डुप्लीकेट ना हम लोग? हाँ वो कर सकते हैं। अब यहां पे मैं करना चाहता हूं सिक्वल, मैं डुप्लीकेट सिक्वल नंबर डालना चाहता हूं 1 2 3
फोर फाइव इस तरह से करना चाहता हूं, तो कैसे करें? इसके लिए यहां पे हम फॉर्मूला देंगे, यहां पे देंगे इफ का, इफ से अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से तो अपने ऊपर वाले में प्लस वन कर दो, अदरवाइज वन से स्टार्ट करो। अगर ए टू बराबर है ए वन से तो यहां पे वन कर दे, प्लस वन कर दे, अदरवाइज वन से स्टार्ट कर। यहां बराबर नहीं है, वन से स्टार्ट किया, नीचे देखिए सीक्वेंस आ गया, हर किसी का एक सीरियल नंबर दे दिया। समझ में आ गया सर? अगर इसी में हम ये करना चाहते हैं कि सर ए टू बराबर है ए वन के लिए, मतलब नेम और अमर की क्या डिफरेंस, मतलब मैं समझी नहीं सर। नहीं समझे, मुझे क्या करना है कि मुझे सबको सीरियल नंबर देना है, अमर को वन, दूसरे अमर को टू, तीसरे अमर को थ्री, फोर, फाइव। अब जैसे आप चेंज हो गया, अमित आ गया, तो फिर यहाँ वन से सीरियल स्टार्ट करना है। मेरा नाम सॉर्टेड है, मेरा नाम जो है सॉर्टेड है, सीरियल देना है, सीरियल नंबर देना है। तो हमने बोला कि सामने वाली वैल्यू, मतलब कि जो सामने वाली वैल्यू अपने ऊपर वाले वैल्यू के बराबर है, मतलब कि सेम नाम है, अगर सेम नाम है तो जहां फॉर्मूला लग रहा है वो भी अपने ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दे और सीक्वेंस को आगे बढ़ा दे। जैसे कि यहां देखिए आपस में बराबर है, तो इसने वन को प्लस वन करके टू दे दिया, बट यहां जो है आपका नेम और अमर बराबर नहीं है, इसलिए इसने वन से स्टार्ट कर दिया। अब जैसे नीचा है यहां पे देखा तो यहां पे अमर और अमित डिफरेंट है, तो यहां पे वन से स्टार्ट कर दिया इसने। समझ में आया सर? मैम आपको समझ में आया? हेलो, हां जी सर। अगर मुझे इसकी अपोजिट करना है कि मुझे हर नंबर को ये एक यूनिक नंबर नंबर देना है, वन वन ऐसे, टू टू ऐसे, क्या करें? इसी का अपोजिट हो जाएगा। हम बोलेंगे कि इफ अगर सामने वाले वैल्यू बराबर है ऊपर वाले वैल्यू से तो ऊपर वाला वैल्यू ही शो कर दे, सामने वाले वैल्यू बराबर है ऊपर वाले वैल्यू से तो ऊपर वाला ही वैल्यू शो कर दे, अदरवाइज ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन करे। यहां पे दोनों बराबर नहीं है तो प्लस वन किया, डी वन प्लस वन, डी वन तो ब्लैंक है, ब्लैंक एक्सल जीरो मानता है, इसने वन, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन हो गया, और नीचे का तरफ ड्रैग कर रहा हूं, सेम यहां पे हो रहा है, टू आ गया, दोनों अलग है। तो सीरियल नंबर का जिक्र आता है, तो मैं मान लीजिए मैं एक डेटा एंट्री करता हूं जहां सीरियल नंबर है, नेम है, और भी चीजें हो सकती है आगे, फिलहाल इधर समझ जाइए। तो मैं यहां पे वन लिखता हूं और नेम लिखता हूं पूजा, या फिर यहां पे टू लिखता हूं और नेम लिखता हूं नीरज। मैं चाहता हूं ये ऑटोमेट हो, मतलब कि मैं नाम लिखूं तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ अगर सामने वाले वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अगर जे थ्री अगर ग्रेटर देन जीरो है, क्या हो जाए? ब्लैंक, प्लस वन कर दे, नहीं ब्लैंक कर दे, हाँ ब्लैंक, सॉरी सारा वैल्यू बर्क जीरो जीरो है, मतलब कि ब्लैंक सेल जो होता है उसको जीरो समझता है, अगर वैल्यू ब्लैंक है तो सीरियल नंबर देना ही नहीं है, अगर ब्लैंक नहीं है तो ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दे। तो उल्टा कंडीशन दिया हमने, इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है। अब मैं यहां पे देता हूं इन नीरज, तो कंडीशन क्या दिया हुआ है? हमने बोला है कि जहां पे सीरियल नंबर फॉर्मूला लगा है उसकी सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है, अगर सामने वाले वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो क्या हो? ब्लैंक शो कर दे, अदरवाइज ऊपर वाला वैल्यू ऐड कर दे। बट इसमें प्रॉब्लम है,
अब जैसे मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं, लिखता हूं मान लीजिए उदय, तो यहां वैल्यू आता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझिए, रीजन ये है कि जो J7 है वो ब्लैंक है। मतलब कि कौन सा ब्लैंक? वो ए वाली नॉर्मल ब्लैंक है, वो ब्लैंक नहीं, वो ब्लैंक है आपका टेक्स्ट वाली। तो टेक्स्ट में प्लस कभी भी नंबर को ऐड नहीं किया जा सकता, टेक्स्ट को कभी भी कोई को नंबर ऐड नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको यहां पे जीरो आया। नहीं मैं समझा नहीं, टू टेक्स्ट के सर वो जीरो नहीं लेगा ब्लैंक है वैल्यू? नहीं, जैसे कि आप ब्लैंक है तो ब्लैंक है, लेकिन अगर हमने इन्वर्टर को ओपन क्लोज किया ना तो इसको टेक्स्ट समझ लेता है, टेक्स्ट कैटेगरी में चला जाता है, समझे? ठीक है सर। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है कि मैं हमारे यहां सीरियल नंबर दे रहा हूं, तो मैं यहां करूंगा कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक करें, अदरवाइज यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला है। मैक्स में टेक्स्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, K1 से लेके हमने K1 कर दिया प्लस, बट नीचे ड्रैग करने से पहले K1 को फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो K1 से K1, K2 से K2 ऐसे जाएगा, K1 से K2, K1 से K3, K4 ऐसे मुझे लेके आना है, ब्लैंक से कोई फर्क नहीं। जहां फॉर्मूला लग रहा है ये अपने से ऊपर वाले का ही मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है, नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसका लास्ट वाले पोजीशन को फिर लास्ट को फ्रीज नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट को फ्रीज किया, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सीरियल की बात हो रही है तो मैं यहां पे सीरियल नंबर जनरेट करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर जनरेट करना, तो मैं चाहता हूं कि जितना मैं यहां लिखूं उतना, मैं बोलता हूं टॉप 10, तो यहां पे 1 से लेकर 10 तक का ही लिखना चाहिए। तो 1 किया मैंने और कंडीशन दिया कि इफ, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आगे बहुत यूज करने वाला हूं मैं, इफ ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 करने पे अगर ग्रेटर देन 10 होता है तो ब्लैंक करो, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 करो। ध्यान से देखिए सर, N7 plus 1 is greater than P1, मतलब यार P1 है, otherwise P1 है तो आपका blank कर दो, मतलब कि जो number आने वाला है अगर वो 10 से बड़ा है तो blank कर दो, serially बनाना है, नहीं बड़ा है तो आप N7 plus 1 करके serial को आगे बढ़ाओ, लेकिन इसको नीचे drag करने से पहले सिंपल सी बात है, हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीज कर दिया done, आसानी से नीचे ट्रैक किया जा सकता है। अब यहां पे आ रहा है कॉलम वही है, ब्लैंक में प्लस 1 हो रहा है, तो अब इसको दूर नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे सिंपल सी बात है कि हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला है, इफ एरर, और यहां पे इफ एरर क्या करता है, इफ एरर आपका बताता है कि कौन अगर फॉर्मूला आपका एरर दे रहा है तो आपका बाकी चीज भी एरर देगा, अगर आपका फॉर्मूला एरर दे रहा है तो बाकी चीज भी एरर देगा, इसलिए हमने यहां पे इफ एरर को दिया, क्योंकि अगर फॉर्मूला हमारा एरर दिया तो सेकेंडरी चीजें शो कर देगा, इसमें अब एरर नहीं आएगा, न्याय सर ना। तो एक नीचे निश्चित कर दीजिए, अब यहां पे जो भी डालेंगे, मैं 15 करता हूं तो 15 तक सीरियल आएगा, 12 करता हूं 12 तक जाएगा, 8 करता हूं 8 तक जाएगा, लेकिन इसी में अगर मुझे मान लीजिए कि स्टार्ट टू टॉप करना है, कि मुझे स्टार्ट पता होना चाहिए, अच्छा तो 5 से लेके मैं चाहता हूं 5 से लेके 10 तक का सीरियल में, तो यहां पे जो मैनुअल हमने 1 लिखा है, इस 1 को हमारे इस 5 से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। इसमें आप डेट भी डाल सकते हैं, मैं चाहता हूं 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का डेट हो, तो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए सर, मैं बोलता हूं 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हो तो भी चलेगा आपका। तो ये हमारे सिंपल इफ के एग्जांपल थे, आप लोगों के समझ में आया सर? ये तो क्लियर है सर, डेट से ना एक चीज याद आई, मेरी एक फाइल थी अभी,
उसमें ना डेट था, फिर स्पेस देके टाइम था, ठीक है। अब मैं उसको डेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा था, फॉर्मेटिंग ले रहा था डेट का कुछ उसमें, मतलब मैं उसमें टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट होगा सर इससे, उसको कैसे करना पड़ता है फिर टेक्स्ट? टेक्स्ट टू कॉलम कर दीजिए ना, फिर सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए टेक्स्ट टू कॉलम फ्री, या फिर उसमें उसके आगे फॉर्मूला लगा दीजिए डेट वैल्यू का। अच्छा मैं फाइल करूंगा फिर आपको बताता हूँ थोड़ी देर में ना। टेक्स्ट डेट वैल्यू का सही है ना, डेट वैल्यू का फॉर्मूला होता है जो किसी भी टेक्स्ट का डेट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? ठीक है सर। सर एक बार वो फॉर्मूला लगाइए प्लीज। कौन सा फॉर्मूला? डेट वैल्यू का सर, इक्वल डेट वैल्यू, किसी भी डेट को सेलेक्ट करते हैं तो इसका डेट वैल्यू, डेट ऑलरेडी है सर, इसलिए डेट डेट एज ए टेक्स्ट चाहिए इसको। आपने सिंगल को लगाया 1 जैन, यहाँ पे डेट वैल्यू कन्वर्ट, ठीक है। अब इस पर डेट का कमांड अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मैं जो है टेक्स्ट वैल्यू भी कर सकता हूँ, सॉरी टेक्स्ट वैल्यू वहां पर जो है सिर्फ वैल्यू भी लगा सकते हैं। तो डेट वैल्यू के लिए टेक्स्ट होना ही चाहिए, यहाँ पे अगर नॉर्मल डेट भी है तो भी वर्क करेगा, एरर नहीं देगा। ओके सर, शॉर्टकट क्या होता है आपने डेट का क्या किया? कंट्रोल शिफ्ट हैश, ठीक है ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करें, इफ के ऊपर प्रैक्टिस करें, और मुझे तकरीबन 20 एग्जांपल दें इफ का। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले किसी भी क्लास में ऐसा ना हुआ कि मैं एक बार भी इफ यूज ना करूं। हर फॉर्मूले के साथ, हर जगह पे, वीवीए प्रोग्रामिंग में, हर चीजों पे इफ का इस्तेमाल तो होता ही है। सो इफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सर मुझे दो कॉलम इकट्ठे मतलब कंडीशन लगानी पड़े तो वो भी इफ से लग जाएगी या इफ से लगेगी? ऐसा आएगा बाद में, अगली क्लास में बताएंगे। वो नेस्टेड इफ कंडीशन होता है, मल्टीपल कंडीशन डालेंगे तो प्रेसिंग नेस्टेड इफ, ठीक है सर, इस कर लें, इसलिए तो नहीं बता रहा हूँ आगे। राइट सर, राइट। कंडीशन फॉर कंडीशंस आते हैं, मल्टीपल कंडीशंस आते हैं, मल्टीपल इफ्स आता है एंड और आता है। राइट सर, राइट। तो पहले सिंगल तो एक बार समझ लें आप, ठीक है सर, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोलना है उषा जी? हाँ जी सर, एक बार सिंगल प्रैक्टिस सर, फिर वेंसडे क्लास है, आपकी मर्जी, आप कल कर सकते हैं तो कल भी फोन कर लीजिए। वेंसडे ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे सर एक बार। अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो कल कर लीजिए, प्रैक्टिस नहीं होती तो वेंसडे कर लीजिए।